हेलो फ्रेंड्स, लाइबा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मोती कबाब। चिकन मोती कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पास 300 ग्राम के करीब चिकन ली हूँ। इन्हें मैं वॉश करके पीस ली हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कुछ धनिया पत्ती इन्हें मैं बारीक कट कर ली हूँ, एक छोटे साइज की प्याज इन्हें मैं बारीक कट कर ली हूँ, 2 से 3 हरी मिर्च इन्हें मैं बारीक कट कर ली हूँ, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, सरसों तेल 1 टीस्पून। अब मैं इनमें सरसों तेल ऐड कर देती हूँ। और साथ ही इनमें मैं हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, प्याज, धनिया पत्ती, कुछ धनिया पत्ती मैं बचा के रखूंगी, इन्हें मैं गार्निशिंग में यूज करूंगी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर। ये देखिए, मैं चिकन में सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। ये देखिए, अब मैं हाथों की मदद से इन्हें गोल शेप दे रही हूँ। इसी तरह से सारे चिकन को गोल गोल शेप दे देना है। ये देखिए, मैं सारे चिकन के कीमों को मोती का शेप दे दी हूँ, इन्हें मैं गोल कर ली हूँ। चूल्हा हमारा ऑन है। कढ़ाई में मैं 2 टेबल स्पून के करीब सरसों तेल दे दी हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं कढ़ाई में मोती कबाब डाल देती हूँ। याद रहे, इन्हें सिम आंच पे ही पकाना है, फुल फ्लेम पर नहीं पकाना है। ये देखिए, मैं सारे मोती कबाब को कढ़ाई में डाल दी हूँ। ये देखिए, मैं सारे मोती कबाब को पलट दी हूँ। अब मैं इसे ढककर 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। 4 से 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा के इसे पकाऊंगी। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे सिम आंच पे ही ढककर पकाई हूँ। अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी। इसे धीमे ही आंच पे फ्राई करूंगी, फुल फ्लेम पर फ्राई नहीं करूंगी। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे मैं अच्छे से उलट पलट कर फ्राई कर लूंगी। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, मोती कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कबाब का कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे मोती कबाब कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, चिकन मोती कबाब बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत लजीज लगते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।